नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो चॉकलेट पर। मैं हूं आरजे अनिल। दोस्तों, आज जो कहानी सुनेंगे वो बहुत ही पुरानी है। कई सालों पहले काशी नगरी में गंगा किनारे एक महान मुनि का आश्रम था। उस आश्रम में उनके शिष्य वेद और वेदांत की शिक्षा लेते थे। उनके शिष्यों में उन्हें सबसे प्यारा दुष्कर्मा था, जो ईमानदार था, समझदार था और दयालु प्रवृत्ति का भी था। एक दिन दुष्कर्मा अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके एक सहपाठी ने आकर उसे एक श्लोक समझाने को कहा। कहा, यह श्लोक बड़ा ही कठिन है, तुम जरा समझा दो। तो दुष्कर्मा ने कहा, यह श्लोक तो बड़ा ही सरल है, लाओ मैं समझा देता हूं। और ये कहकर उसने अपने सहपाठी को पूरा श्लोक समझा दिया। उसके सारे दोस्त उसे दुष्कर्मा के नाम से पुकारते थे, पर उसे यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक दिन वो गुरुजी के पास गया और उनसे शिकायत करने लगा, गुरुजी मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अपना नाम बदलवाना है। अब गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और उससे कहा, अच्छा हम तुम्हारा नाम बदल देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो दुष्कर्मा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, तुम पहले देश भ्रमण करके आओ, तुम जब देश भ्रमण करके लौटोगे तो हम तुम्हारा नाम बदल देंगे। तो गुरुजी से आज्ञा लेकर दुष्कर्मा देश भ्रमण के लिए निकल पड़ा। देश भ्रमण करते करते वो एक गांव में पहुंचा। देखा उस गांव में एक शव यात्रा जा रही थी और शव के पीछे लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहकर चिल्लाकर जा रहे थे। तो दुष्कर्मा ने भीड़ में एक आदमी से पूछा, भैया जो चले गए उनका नाम क्या था? तो उन्होंने कहा, उसका नाम जीवक था। तो दुष्कर्मा हंस पड़ा, बोला, जीवक भी कभी मरता है क्या? तो वो आदमी कह पड़ा, भैया आप मूर्ख हो क्या? जीवक तो सिर्फ उसका नाम था, नाम में क्या रखा है? नाम तो सिर्फ पहचान के लिए है। दुष्कर्मा को थोड़ा अटपटा सा लगा, पर वो अपने देश भ्रमण पर आगे चल पड़ा। आगे चलकर वो और एक गांव में पहुंचा। उस गांव में पहुंचकर उसने देखा, एक औरत एक लड़की को मारे जा रही थी। तो उससे सहा न गया, उससे रुका न गया और वो उस महिला के पास पहुंचकर उस लड़की को मारने से उसे रोक दिया और पूछा, आप क्यों मार रही हैं इस लड़की को? तो उस औरत ने कहा कि मैंने इसे एक पैसा देकर बाजार भेजा था सामान लाने, पर ये बाजार से तो वापस आ गई, पर सामान इसके पास नहीं है, ना ही एक पैसा। तो सारी बात समझकर दुष्कर्मा ने एक मुद्रा औरत को थमाया और कहा, आप इसे दया करके ना मारें। वो औरत और वो लड़की घर के अंदर जाने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, भैया उस लड़की का नाम क्या था? तो उस आदमी ने कहा, भैया उस लड़की का नाम लक्ष्मी था। तो दुष्कर्मा को हुई थोड़ी हैरत। दुष्कर्मा ने कहा, नाम लक्ष्मी और किसी के घर में नौकरानी? तो वो आदमी बोला, भैया पगला गए हो क्या? नाम में क्या रखा है? थोड़ी अर्थ समझ में आता है, नाम तो सिर्फ पहचान के लिए है। उसका जवाब सुनकर दुष्कर्मा को थोड़ी थोड़ी संतुष्टि हुई और उसने सोचा कि चलो अब काशी वापस लौटते हैं। जब वो काशी वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला, जिसने उसे कहा, भैया क्या मुझे आप काशी तक का रास्ता बता देंगे? मैं रास्ता भटक गया हूं। तो दुष्कर्मा ने कहा, जी मैं भी काशी की ओर ही जा रहा हूं, आप मेरे साथ चले चलिए। कुछ दूर जाने के बाद दुष्कर्मा ने उस आदमी से पूछा, भैया आपका नाम क्या है? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम पथिक है। तो दुष्कर्मा ने कौतूहलवश उसे पूछ लिया, भैया नाम पथिक है और आप रास्ता भटक गए? तो उसने कहा, भैया नाम में क्या रखा है? रास्ता तो कोई भी भटक सकता है, नाम तो सिर्फ पहचान के लिए है। अब काशी पहुंचने की जल्दी सबसे ज्यादा दुष्कर्मा को ही थी। वो जल्दी जल्दी काशी पहुंचा और सीधे गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसे देखते ही पूछा, क्या अब भी तुम्हें अपना नाम बदलना है? तो दुष्कर्मा ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं समझ गया कि नाम तो सिर्फ पहचान के लिए है, लेकिन हमारी असली पहचान
तो हमारे गुण और हमारे कार्य ही करते हैं। तो दोस्तों हमेशा ये याद रखिएगा, नाम का अर्थ चाहे जो भी हो, आप जैसा काम करेंगे, आपके जैसे गुण होंगे, आपकी पहचान वैसी ही होगी। तो चलिए आज से अपने लिए एक नई पहचान बनाते हैं और आज ही से एक नई शुरुआत करते हैं। सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट, फील कीजिए धूम मीठा।